तो आखिरकार महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर चली लंबी उठापटक के बाद अब यह साफ हो गया है कि राज्य से बीजेपी का पत्ता एकदम कट गया है और यहाँ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ही आपस में मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। कुछ लोग भले इस गठबंधन से बनी सरकार को खिचड़ी सरकार कह रहे हों और सरकार के जल्दी टूट जाने की आशंका जाहिर कर रहे हों, लेकिन इन सबसे इतर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए केंद्र सरकार और राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को बुलाया गया है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि खुद पीएम मोदी और अमित शाह भी इस समारोह में नजर आएंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए उद्धव ठाकरे ने सांगली के बीटा इलाके में रहने वाले एक किसान को भी न्योता दिया है, जिस पर अब चर्चा हो रही है। आखिर उस किसान को ही न्योता क्यों दिया गया है, ऐसा क्या उसमें खास है, चलिए ये हम आपको बताते हैं। इसकी शुरुआत दरअसल हुई 15 नवंबर से। इस तारीख को उद्धव ठाकरे सांगली के बीटा इलाके में गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने वहां के किसान संजय सावंत और उनकी पत्नी रूपाली सावंत से मुलाकात की थी। संजय और रूपाली ने उद्धव का जोरदार ढंग से स्वागत किया और भगवान विट्ठल की नगरी पंढरपुर की चंद्रभागा नदी से लाया जल और तुलसी की माला उन्हें भेंट की। शिवसेना का मुख्यमंत्री बने इसके लिए बकायदा उन्होंने 5 दिन का उपवास रखा। अब कोई आपके लिए या आपकी पार्टी के लिए इतनी दुआएं करें, इतनी कामना करें, तो बदले में आपको उस बंदे को उचित सम्मान देना तो बनता है। शिवसेना ने भी यही किया है। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने उन्हें फोन किया और उद्धव ठाकरे का निमंत्रण विट्ठल भक्त किसान दंपत्ति को दे दिया। अब निमंत्रण को पाकर विट्ठल परिवार बहुत ज्यादा खुश है। उनका कहना है कि वो सालों से चाहते आए हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना का ही कोई मुख्यमंत्री बने। उन्होंने उद्धव ठाकरे को किसानों का मसीहा बताते हुए कहा है कि उद्धव ने किसानों के लिए काफी काम किया है और दिन रात उनके लिए खड़े रहे हैं, इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता और किसान उनका सम्मान करते हैं। उद्धव को मुख्यमंत्री देखने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र में सिर्फ उन्हें ही सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। अब शिवसेना ने उन्हें 28 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया है, जिसमें जाने के लिए ये दंपत्ति काफी आतुर है। इस समारोह में बाकी बहुत सारे लोग भी आएंगे, ऐसे में इस समारोह की जो छटा होगी वो वाकई देखने लायक होगी। बाकी जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, खिचड़ी सरकार है, चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, जो भी आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Facebook पर अगर देख रहे हैं तो आप पेज को लाइक कर लीजिएगा और फॉलो का ऑप्शन भी आपको नज़र आए तो फॉलो कर सकते हैं। वीडियो आपने देखी ली, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।